वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रवि ब्लॉग्स टेक चैनल को और दबाइए बेल आइकन। व्हाट्सअप दोस्तों, मेरा नाम रविशंकर है और स्वागत है आपका मेरे चैनल रवि ब्लॉग्स टेक में। तो दोस्तों, ZTE Axon 20 Pro के बहुत ही बड़े सक्सेस के बाद ZTE Axon 30 Pro लॉन्च एग्जैक्टली तो नहीं हुआ है पर लॉन्च होने वाला है। उसके पहले ZTE ने बहुत सारे अमेजिंग इसके स्पेक्स टीज किए हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, इसमें एक सबसे स्पेशल चीज मिलने वाला है जो कि है दोस्तों इनबिल्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर वर्जन 2.0। जी हाँ दोस्तों, ये 2.0 वर्जन है जो कि वर्जन 1 जो मिलता था A20 में वो बहुत ही ज़्यादा खास था। उस पर इस फोन में आप लोगों को मिल जाएगा वर्जन 2 जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। और साथ ही में इतना ही नहीं बल्कि इसमें एक और मतलब बहुत सारे स्पेशल फीचर्स है, जैसे कि दोस्तों 888 स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। और इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे, स्नैपड्रैगन की तरफ से लेटेस्ट 5G चिप है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल चिप है। और दोस्तों, एक जो लास्ट जो बात करें इसके बारे में तो वो है दोस्तों इसके कैमरा के बारे में। मतलब ये लीक्स नहीं है, ये ऑफिशियली ZTE ने अनाउंस किया है कि दोस्तों इसमें आप लोगों को वर्ल्ड का फर्स्ट 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ये 200 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि एक बहुत ही बड़ा मेगापिक्सल साइज होता है, मेगापिक्सल काउंट होता है। पता नहीं ये कौन सा ट्रेंड आ गया है कि हर एक स्मार्टफोन में जो मेगापिक्सल काउंट होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। मतलब कुछ भी हो जा रहा है, 108 मेगापिक्सल Xiaomi लेकर आया था, फिर अभी ZTE लेकर आया 200 मेगापिक्सल, मतलब 100 एक्स्ट्रा। अब वो उसके बारे में आप लोगों को मैं वीडियो में पूरी डिटेल्स में बताऊंगा इसी फोन के बारे में जो कि अभी तक टीज किया गया है। तो वीडियो को पर एंड तक देखते रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नया आए हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर तोड़ डालो, क्योंकि मैं सही लेटेस्ट टेक की अपडेट्स इन डिटेल डेली लाता रहता हूं जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं आओगे मिस करना। और दोस्तों, हम लोग बहुत ही ज्यादा करीब है 5K सब्सक्राइबर्स के लिए, तो जैसा कि आप लोग स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, करके देख सकते हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। शुरू करते हैं इसके दोस्तों कैमरा के फीचर के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसमें सबसे पहले तो इसमें आप लोगों को 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है जो मेन प्राइमरी कैमरा होगा। और साथ ही में दोस्तों, ये जो कैमरा है वो बहुत सारे एडवांस फीचर सपोर्ट करता है, जैसे कि दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है लो लाइट कंडीशन में फोटोग्राफ्स लेना में। और साथ ही में दोस्तों, ये 4K HDR और साथ ही में जो नॉर्मल वीडियो होता है वो अप टू 16K तक रिकॉर्ड कर सकता है। समझ रहे हो, 16K अब तक उसके बारे में डिस्प्ले भी, मतलब ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल ही नहीं है, ये 16K अब डिस्प्ले ही नहीं रहेगा स्मार्टफोन का कि आप उसे रिकॉर्ड करके देख पाओ। और साथ में 10-bit कलर डेप्थ का भी ऑप्शन मिल जाता है। और बाकी सब फीचर की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों बहुत ही फ्लैगशिप फोन है, तो इसमें सब कुछ आप लोगों को फ्लैगशिप फीचर्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि 120Hz का डिस्प्ले, 6.9 इंच का डिस्प्ले, मतलब फुल HD डिस्प्ले है। ऑब्वियसली 16K 4K वगैरह रिकॉर्डिंग तो कर सकते हो, पर इसमें आप उतना मजा नहीं ले सकते 16K का, वो स्टिल प्ले होगा 1080 में ही, क्योंकि इसमें जो डिस्प्ले है वो 4K 6K नहीं है, 16K वगैरह नहीं है। और साथ ही में दोस्तों, इसमें आप लोगों को 4700mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा चलने वाला है। और जबकि ये दोस्तों 120Hz का डिस्प्ले है तो ये बहुत ही ज़्यादा तो नहीं चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा आप लोगों को इसमें चाहिए बैटरी कैपेसिटी क्योंकि 120Hz डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा बैटरी खर्चा करता है। तो वेल दोस्तों, यही सब कुछ टीज किया गया था ZTE की तरफ से, ऑफिशियली टीज किया गया, ये सब कोई भी लीक्स वगैरह नहीं है बताया। अब देखते हैं दोस्तों ये फ़ोन कब तक आता है, जब आएगा बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है फॉर श्योर। और प्राइस वगैरह के बारे में भी अभी तो कोई भी लीक्स या फिर टीज नहीं आया है, वो सब आएगा तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में भी बता देना कि नेक्स्ट वीडियो चाहिए इसके बारे में। तो वैसे दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और कमेंट में बताना अपनी ओपिनियन इस वीडियो के बारे में, मेरे बारे में। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर एक क्वेश्चन की रिप्लाई जरूर करता हूं। और शेयर करो इस वीडियो को सभी के साथ, और चैनल में नए आए हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर तोड़ डालो, क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट टेक अपडेट्स इन डिटेल डेली लाता रहता हूं जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना। और दोस्तों, हम लोग बहुत ही ज्यादा करीब है 5K सब्सक्राइबर्स के लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।